प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइन. ओके, सो यहाँ पर हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, अल्केन प्रिपेयर करने वाले हैं अल्काइन से. ओके, सो यहाँ पर मैं लेती हूँ अल्काइन डेट इज इथाइन. दिस इज वॉट, नंबर ऑफ कार्बन दो है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा ये इथाइन. ओके, और यू कैन से एसिटिलीन. ओके, यहाँ पर मैं एडिशन कर पाऊँगी हाइड्रोजन, टू टाइम्स हाइड्रोजन को ऐड करूँगी. ओके, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम. ओके, देन यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा हमारा इथेन फॉर्म होगा, पर इथेन कैसे फॉर्म होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, टू टू ज़ा फोर, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं फोर. ओके, सो मैं क्या करवाऊँगी, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है, ये दोनों कार्बन है, एक कार्बन पे मैं ऐड करवाऊँगी दो हाइड्रोजन. ठीक है, आपके टोटल कितने हाइड्रोजन हैं फोर. ठीक है, सो मैं ये जो दो हाइड्रोजन है मैं ऐड करवाऊँगी ये वाले कार्बन के पास, और ये दो हाइड्रोजन ऐड करवाऊँगी ये वाले कार्बन के पास. ओके, सो यहाँ पे मैं टोटल कितने ग्रुप ऐड करवा रही हूँ, फोर ग्रुप. ठीक है, इसके लिए आपका ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एच बॉन्ड सी. ओके, इस ट्रिपल बॉन्ड को मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, देन कार्बन देन हाइड्रोजन. ओके, इस कार्बन पे मैंने कितना हाइड्रोजन ऐड किया, टू हाइड्रोजन, दैट इज़ वन एंड टू. ये वाले कार्बन पे भी मैंने दो हाइड्रोजन ऐड किया, वन एंड टू. जब चार हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया है तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में. ओके, दिस इज इथेन. ओके, हमने इथाइन से क्या प्रिपेयर किया, इथेन. सो नेक्स्ट एग्जांपल है डैट इज़ ब्यूटाइन. ओके, ब्यूट टू वाई एन ई, बिकॉज यहाँ पे टू क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज अगर यहाँ पे नंबरिंग काउंट करते हो वन टू, तो सेकेंड पोजिशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसके लिए मैं पोजिशन भी मैंशन किया है. ओके, सो नेक्स्ट हमने लिया है ब्यूटाइन, हमको क्या प्रिपेयर करना है ब्यूटाइन से, ब्यूटेन. ओके, सो यहाँ पर मैंने एडिशन करवाया टू टाइम्स हाइड्रोजन ग्रुप, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करना है, निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे. ओके, देन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितने फोर है. ठीक है, मतलब मैं दो हाइड्रोजन ऐड करूँगी इस वाले कार्बन पे का पास, और ये वाला हाइड्रोजन ये वाले कार्बन के पास. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं जो भी अपना ब्यूट टू वाई यानी एज इट इज़ लिख देती हूँ, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सी एस थ्री. ठीक है, मैंने एज इट इज़ लिख दिया है. मैंने इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन ऐड किए हैं, वन एंड टू. ये वाले कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन ऐड किया, वन एंड टू. जब चार ग्रुप ऐड करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाता है सिंगल बॉन्ड में. ओके, सो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री फोर विथ अ सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन. ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो. अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए.